अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल लेज इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको डुअल टाइमर बनाने का तरीका बताऊंगा कि डुअल टाइमर को आप किस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं, ये दो आईसी की मदद से आपने बनाना है। ये MC14541 दो आईसी है। ये देख लें, ये दो पोटेंशियोमीटर है, 470K का, एक 100K का और दो रजिस्टर 120K का, 22N 400 वोल्ट का ये एक कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ भी देख लें, 120K का दो रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, एक 22N 400 वोल्ट का और एक रेजिस्टेंस है 560, एक 18K, एक 100K का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, और BC 237 ये हमारे पास दो ट्रांजिस्टर है। ये ड्राइंग आप देख लें, बिल्कुल आसानी से देख लें, इस ड्राइंग को आप अच्छी तरीके से समझ लें। इस ड्राइंग के अंदर हर चीज़ को मैंने बिल्कुल वाजे तरीके से आपको दिखाया है। ये बिल्कुल नहायत ही सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों। आप इस सर्किट के अंदर आसानी से आप ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों टाइम को दोस्तों आप आसानी से कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर आप नए हैं और अभी तक अपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये मैंने सर्किट को असेंबल किया हुआ है। ये देख लें, आप बहुत ही आसान तरीके से देख लें, ये आईसी है 4541 4541। ये देख लें, दो आईसी है, ये एक आईसी है 4541, एक ये आईसी है 4541। ये दो कैपेसिटर है जो मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया। ये दो पोटेंशियोमीटर है 100K का, ये 470, ये 470K का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, ये दो ट्रांजिस्टर है। ये जो रजिस्टर मैंने आपको बताया है बिल्कुल नहायत ही सिंपल और आसान है। आपको आसानी से दिखाने के लिए रिले की जगह मैंने इस बल्ब को यूज़ किया है, ताकि इस बल्ब को मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊँगा। दोस्तों आप इस वीडियो को आसानी से देख के ताकि समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये पावर अप करके दिखा रहा हूँ। अब देख लें, मैं इसको पावर अप करता हूँ। मैंने 13 वोल्ट के पावर सप्लाई के जरिए मैं इसको पावर अप कर रहा हूँ। ये देख लें, ये पावर दिया मैंने पॉजिटिव के साथ दे दिया दोस्तों, और ये नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव को लगा दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप ये देख लें, ये मैंने इसको पावर अप कर दिया है और आप ये देख लें आसानी के साथ ये लैंप ऑन और ऑफ हो रहा है। आप इस लैंप को आसानी से देखें दोस्तों, इस लैंप को आप देख के समझ जाएंगे। ये देख लें, ये लैंप के ज़रिए से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके ऑन टाइम और ये ऑफ टाइम को ये कंट्रोल कर रहा है पोटेंशियोमीटर के ज़रिए। ये आसानी से आप देखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं इस लैंप को आप दोस्तों, ये लैंप ये देख लें, ये इसकी ऑन टाइम है और ये ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद ये ऑफ हो जाएगा इस सर्किट के जरिए से। तो ये इसके ऑन टाइम और ऑफ टाइम को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं इस लैंप की मदद से। ये मैं आपको टाइम कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। ये देखें, इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए मैं टाइम को कम करूँगा, आप देखिएगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये लैंप को आप देख लें, ये आसानी के साथ ही आप देख लें, मैंने टाइम कम किया। टाइम कम करने की वजह से देख लें दोस्तों, ये लैंप आसानी से ऑन ऑफ हो रहा है। ये देख लें, ये इसकी ऑन टाइम और ऑफ टाइम को आप ये दो पोटेंशियोमीटर के जरिए से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये एक पोटेंशियोमीटर है, एक ये पोटेंशियोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसके जरिए से आप इसकी टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं ये पोर्ट की मदद से। देख लें, मैं इसको और टाइम को कम कर रहा हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसके मदद से आप इस लैंप की टाइम को इस पोर्ट की मदद से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, इसके टाइम को देख लें दोस्तों, ये कम ज़्यादा मैं इस पोर्ट की मदद से कर रहा हूँ और इस पोर्ट की मदद से भी आप इसकी ऑन टाइम को भी कम कर सकते हैं। अगर ऑन टाइम को मैं जाऊँ तो कम कर दूँ इसका, ये देख लें बिल्कुल ऑन टाइम का कम हो गया। ठीक है दोस्तों, आप ये दोनों पोर्ट की मदद से इसकी ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके पोटेंशियोमीटर के जरिए से।
ठीक है, तो आप ये आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हैं। बहुत ही नहायत ही सिंपल और आसान है। ये देख लें आप, सिर्फ दो आईसी है। इस दो आईसी के मदद से आपने बनाना है इस सर्किट को। ये बिल्कुल मेरा अपना डिज़ाइन करता है सर्किट है। आप ये डुअल टाइमर को बहुत नहायत ही आसान से इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से आप इसकी ऑन टाइम और ऑफ टाइम को सेट करेंगे। ये दो है, ये एक दफ़ा फाइनल सेटिंग कर देंगे आप इस पोटेंशियोमीटर को। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। ये देख लें दोस्तों, ये लैंप को ये देख लें, आसानी से ऑन ऑफ हो रहा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैंने जो बताया आपको, ये दो पोटेंशियोमीटर है, ये दो पॉट है दोस्तों, एक ये स्पॉट की मदद से और इस स्पॉट की मदद से आपने इसकी टाइम और ड्यूरेशन को सेट करना है। ये नहीं कि सिंपल और आसान है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो पसंद आई है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल बटन भी प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।